लोग घर पे आके बैठे हैं, गुड़िया दीदी को बोल रहे हैं रुकने के लिए, लेकिन नहीं रुकेंगी क्योंकि आप लोग को पता ही होगा दीदी ब्लॉग डाल चुकी होंगी। ब्लॉग बनाए नहीं, टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला क्योंकि ऐसे टाइम में दिमाग भी नहीं काम करता है तो वीडियो बनाने का ध्यान भी नहीं रहता। बना ही नहीं है क्योंकि सुबह से तबीयत खराब था, यहाँ पे आए हम दवा खा के आए, और क्यों आए इसलिए आए कि मालती नाराज हो जाएगी इसलिए आए, वरना आते भी नहीं। सही में हम सब यही सोचते हैं कि जो जहाँ रहे मिलजुल के रहे। नहीं दीदी तो इनकी मतलब जो देवरानी उनको हल्का हल्का पेन उठ रहा है, तो हम लोग दुआ करेंगे कि जो अच्छे से हो वो भी स्वस्थ रहें और उनके जो मेहमान आ रहे हैं वो भी स्वस्थ रहें। और अब दीदी भी निकल रही है यहाँ से, ज़्यादा रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि जब एक बार दर्द चालू हो जाता है तो दोस्तों आप लोग को नॉर्मली पता होगा कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक दर्द रहता है ना, अभी बहुत ज़्यादा लेडीज़ों को झेलना पड़ता है। कहते हैं ना लड़कियों को जीने से लेकर मरने तक सब कुछ लड़कियों को ही झेलना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। ताना यार और बोली मतलब आप सब समझ लीजिए, जितना भी समझ लीजिए, फर्ज होता है एक बेटी ही निभाए, हर जगह एक बेटी ही निभाए, कहे बेटी जी जितने दर्द में बेटी पैदा होती है ना उतने ही दर्द में बेटा भी पैदा होता है, लेकिन बेटे को लोग नहीं कहते हैं, हम बेटियों को दोषी मानते हैं लोग, अगर बेटा चार गलती करेगा ना तो उसको ढक दिया जाएगा, लेकिन बेटियां ही नाम करती हैं, एक गलती करेगी बेटियां तो उसको लोग उछाल देंगे। सही बात है, ये बात तो एकदम सही है, और बस इतना ही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं, और अभी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। गुड़िया दीदी यहाँ से निकल रही है, उसके बाद आगे देखते हैं।